खबर सिंगरौली से है, जहां एनसीएल मुख्यालय में लगभग 12 परियोजनाएं हैं, जिसमें पांचों ट्रेड यूनियन मिलकर एफडीआई के विरोध में जबरदस्त आंदोलन करते नजर आए। चाहे कोल ट्रांसपोर्टिंग हो या कोल उत्पादन, पूरी तरह प्रभावित है। कोयला क्षेत्र में 100% एफडीआई के विरोध में सोमवार से भारतीय मजदूर संघ की 5 दिनी हड़ताल शुरू हो गई है। सुबह से ही तमाम संघ सिंगरौली के बैनर तले कोयला कामगारों ने जमकर नारेबाजी की। जगह जगह कोयले का रेल और सड़क मार्ग से डिस्पैच ठप कर दिया गया। इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस की सुबह से एक दिवसीय हड़ताल को लेकर सरगर्मी और तेज़ हो गई है। एनसीएल प्रबंध से लेकर सरकार तक की निगाह कल की हड़ताल पर टिकी है, क्योंकि पांचों प्रमुख यूनियनें हड़ताल पर रहेंगी। उसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार ने जो है एकाएक जो है पूरे कोयला उद्योग में 100% एफडीआई को ला करके कोयला उद्योग के जो कर्मचारी हैं उनका जीवन जो है तत्काल प्रभावित किया है, और कभी भी खदानें बंद करने की जो है नौबत आ सकती है। क्योंकि यह पुराना अनुभव रहा है कि मोदी जी जो है कभी भी अब कुछ भी ऐलान कर देते हैं। इतना प्रचंड बहुमत में है मोदी जी कि वो भूल गए हैं कि इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत जो है वो चुनाव जीते हैं, इन्हीं कर्मचारियों के बदौलत जो है उनकी सरकार बनी है, और सरकार बनते ही वो मतमस्त हो गए हैं और जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं उस पर कुठाराघात करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें कोल सेक्टर को उन्होंने पहले टारगेट किया है। कोयला उद्योग देश का इतना अच्छा उद्योग था, इतना प्रॉफिटेबल उद्योग था, कभी नुकसान नहीं हुआ है, और आज जो है वो जो है कोल इंडिया के सभी सब्सिडरीज को अलग अलग पृथक पृथक बांटना चाहते हैं, और बांटने के बाद जो है उसको जो है प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एफडीआई जो है 100% लागू किया है। इसका हम सभी साथी जो है संयुक्त समिति जो है जो इंटक, आरसीएसएस, आरसीएमएस, सीएमएस, सीटू और एचएमएस, हम सभी यूनियन संयुक्त रूप से मिलकर के उसका विरोध करते हैं। सभी के पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, और आज जो है हम लोग की जो है हड़ताल है वो सफल है। अगर आज के आंदोलन से आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? आज जो है यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जो बड़े नेता बैठे हुए हैं सेंटर में, उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी घोषणा किया जा सकता है। अभी उनकी बातें चल रही हैं। 30 अक्टूबर को दिल्ली में जो है सभी ट्रेड यूनियन की मीटिंग भी बुलाई गई है।